हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और ये है नूप सर। अभी हमने एडिट जोन गोल्ड 2.7 मुंबई एग्जीबिशन में लॉन्च किया है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसका। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। आज ही हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के सिस्टम के बारे में। एक वीडियो एडिटिंग का अच्छा सिस्टम बनाने के लिए आपको एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप i5, i7, i9 सीरीज़ का कोई भी PC बनवा सकते हो। और अगर i7 की बात की जाए तो 50,000 से लेके 2 लाख तक सिस्टम आप बना सकते हो और अपने काम के अकॉर्डिंग आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा कि लोकेश जी ने भी आपको बताया कि हम 50,000 से 2 लाख तक i7 सिस्टम जो है बनवा सकते हैं और भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो सिस्टम तो बनवा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम शूट करते हैं तो हम अच्छे अच्छे कैमरे लेके आते हैं, अच्छे लेंस लेके आते हैं, वहाँ पे हम नहीं सोचते, 10 लाख तक की भी किट हो जाती है। फिर उसके बाद में हमें एडिट करने में दिक्कत आती है। जैसे हमने 4K शूट किया है, HDR शूट किया है या Full HD शूट किया है, तो वहाँ क्या होता है, हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए हमें अच्छे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो आप सिस्टम पे भी इन्वेस्ट करो, अच्छा सिस्टम होगा तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। कई बार हमारे पास कुछ कॉल आते हैं कि सर, हमने अच्छा PC बनवा लिया, अच्छे बजट का PC बनवा लिया, लेकिन फिर भी सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, फाइल अटक अटक के चल रही है या फिर कुछ एरर आ रहे हैं। वो सब इसीलिए आते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आप काम में ले रहे हो, कौन सा मदरबोर्ड आप काम में ले रहे हो, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होती। तो सिस्टम बनवाने से पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हम कोई सिस्टम बनवाते हैं तो मतलब हम किस लिए बनवा रहे हैं, जैसे एक तो होता है कि हम मैनुअल वर्क करते हैं, एक होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से मतलब जैसे हम गोल्ड प्रोजेक्ट हो गया हमारा, तो उसमें क्या होता है, हम जब काम करते हैं उसमें रेडी प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स पे क्या होता है, जैसे कुछ फॉर्मेट अलग होते हैं, बैकग्राउंड्स के अलग होगा, आपका मेन वीडियो का अलग होगा, कुछ ग्राफिक्स हैं उनका अलग होगा, तो वो उन सब फॉर्मेट्स को क्या होता है, रीड करता है। तो उसका कारण यही होता है कि हम बिना किसी से कंसल्ट किए और एक ऐसा सिस्टम तैयार करवा लेते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी कोई सिस्टम बनाओ, चाहे आप फोटोशॉप के लिए बनाओ, चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए बनाओ, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो हमेशा कंसल्ट करके ही आप एक सिस्टम तैयार करवाएं। तो आज हम जो PC असेंबल करने वाले हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला सिस्टम है, i9 12th जनरेशन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम जो PC असेंबल करने वाले हैं उनके सभी आइटम के बारे में चेतन सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं i9 12th जनरेशन के सीरीज प्रोसेसर के बारे में। इसमें आपको मिलता है 16 कोर और 24 थ्रेड के साथ, और जो इसकी मैक्स टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो 5.20 GHz के साथ में मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो इसके अंदर इंटेल ने खास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिसका नाम है इंटेल थ्रेड डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, जो अपने कोर और थ्रेड को अलग अलग प्रोग्राम पे डिवाइड करती है। अब इसमें आपको जो कोर है वो 8 कोर जो है परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे, 8 कोर जो है इफिशियंट कोर मिलेंगे। उनको किस हिसाब से कहाँ क्या ले जाना है इस टेक्नोलॉजी का काम है। कोर को डिवाइड करने से हमें क्या फायदा होगा? इस टेक्नोलॉजी में कोर को डिवाइड करने से ये फायदा है कि परफॉर्मेंस जो कोर है हमारे मेन प्रोग्राम को लीड करेंगे और जो इफिशियंट कोर है वो हमारे बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहा है उसको लीड करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंस कोर। तो जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे एड्यूज में एडिटिंग कर रहे हो या फिर फोटोशॉप पे फोटोशॉप की डिजाइनिंग कर रहे हो, तो कुछ अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में भी रन करते हैं। और बैकग्राउंड में क्या काम होता है कि जैसे आप यूट्यूब पे कुछ म्यूजिक प्ले कर रहे हो या कोई वीडियो कन्वर्टर में कोई वीडियो कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ आप एडिटिंग कर रहे हो, तो ये काम आपका बैकग्राउंड में हो गया। तो आपका जो है, जो आप जैसे कन्वर्ट कर रहे हो या कुछ म्यूजिक चला रहे हो या कुछ रेंडर चल रहा है आपका काम, तो वो बैकवर्ड है, उसमें जो है कोर अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो वहां भी आपकी स्पीड बनी रहेगी। और इधर आप एडिटिंग कर रहे हो तो उसके कोर अलग है क्योंकि डिवाइड कर दिया परफॉर्मेंस और एफिशिएंस में। तो इस तरह से आपकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहेगी। और इस प्रोसेसर की क्या स्पेसिफिकेशंस है? इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम टर्बो पावर है वो 241 वोल्ट मिलेगी, प्रोसेसर की जो बेस पावर है वो 125 वोल्ट मिलेगी। इसके साथ आपको PCIe का जनरेशन 5 और Wi-Fi 6E मिलेगा। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया i9 12th जनरेशन के साथ अगर आप जाते हो प्रोसेसर के साथ, तो इस प्रोसेसर में आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। तो अगर आप अभी इसके साथ जाते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है गीगाबाइट का Z690 ओरस मास्टर। इसके साथ मिलता है आपको डायरेक्ट फेज डिजिटल VRM, 6 स्मार्ट फैन, RGB लाइट्स, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन, Wi-Fi 6E वर्जन, PCIe 5.0 सपोर्टेड, डूल चैनल DDR5 रैम स्लॉट, 5X M.2 कनेक्टर्स विथ थर्मल गार्ड थर्ड के साथ।
और इसके साथ जो सीपीयू फैन यूज कर रहे हैं वो है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड आरजीबी फैन, और जो हम रैम यूज कर रहे हैं वो है कॉर्सेयर की 32GB कॉम्बो पैक 5200 MHz के साथ। तो जो आप रैम इसमें जो कॉम्बो पैक बता रहे हो, इससे क्या फायदा होता है? अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन की रैम नहीं लगाते हैं तो वो क्या करता है कि आप मान लीजिए आपने एक 2800 MHz की लगाई, एक आपने 4400 MHz की लगाई, तो जो 4400 MHz की है वो तो डाउन ले आएगा, लेकिन जो 2800 है उसको अपर नहीं ले जा सकता वो, तो आपकी जो एक परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। और इसके साथ जो हम SSD यूज कर रहे हैं वो है WD की ब्लू 500GB, जिसमें आपको 3500 MB/s रीड की स्पीड मिलती है। Okay. और जो हम पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो है गीगाबाइट की ओरस P850W, जो फुल्ली मॉड्यूलर है स्मार्ट फैन के साथ है। उसके साथ ही हम विंडोज 10 जो है ओरिजिनल यूज करने वाले हैं। तो ये है सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हम सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस पीसी की बात कर रहे थे वो असेंबल हो चुका है, और आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि जब भी आप सिस्टम असेंबल करो तो उन सभी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर और मदरबोर्ड की। जैसे कि आपने i9 प्रोसेसर परचेज़ किया और उसके अकॉर्डिंग आपने अगर मदरबोर्ड परचेज़ नहीं किया तो आपका जो i9 प्रोसेसर है वो भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आप जब भी कोई प्रोसेसर खरीदो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मदरबोर्ड परचेज़ करना चाहिए, ताकि वो कंपैरेटिवली अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। और इसके साथ जब आप रैम परचेज़ करें तो सपोज आप दो रैम लगा रहे हो तो दोनों रैम की कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस दे सके। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो 3200 MHz से ऊपर ही रैम परचेज़ करें। और इसी के साथ जैसे हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो पावर सप्लाई भी हमें अच्छी कंपनी की यूज़ करनी चाहिए और अच्छे वोल्टेज की यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें पावर जो है प्रॉपर मिलती रहती है और हमें कभी भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो अगर हम कम वोल्टेज की या कम पावर की अगर सप्लाई यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बोर्ड पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ें और अच्छी पावर सप्लाई यूज़ करें। और आप सिस्टम के साथ विंडोज़ ओरिजिनल खरीदें, क्योंकि ओरिजिनल विंडोज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल एरर फ्री रहेगा, सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो अच्छे आपके चलेंगे बिना एरर के, और उसके साथ ही साथ आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा। और जब भी आप सिस्टम खरीदें तो सिस्टम को असेंबल ही करवाएं, कोई रेडी पीसी या कोई ब्रांडेड पीसी ना खरीदें। क्योंकि क्या होता है, आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको एक अच्छे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और एक जो रेडी पीसी होता है वो प्रॉपर, ये ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो एडिटिंग के लिए बना हुआ है। तो आप सिस्टम को असेंबल करवाएं, वो आपका बजट के साथ भी रहेगा और सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा। और अगर आप कोई नया पीसी बनवाना चाहते हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको नए जो कंप्यूटर है उनके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। और इसके अलावा अभी हमने एडिट जोन का गोल्ड 2.7 लॉन्च किया है नए प्रोजेक्ट्स के साथ, अगर आप उनके बारे में कुछ डिटेल लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।